हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस एंड फिजिक्स इज़ ऑब्वियसली फॉर क्यूरियस वंस मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आप सभी के लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में एक नया वीडियो लेक्चर लेके ले आई हूँ ये वीडियो लेक्चर लास्ट वीडियो लेक्चर से काफ़ी हद तक रिलेटेड है तो जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उन्हें वो इससे ज़्यादा आसानी से रिलेट कर पाएंगे अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ आज हम पढ़ेंगे अबाउट सोलर कांस्टेंट। तो दोस्तों सोलर कांस्टेंट क्या है सो द सोलर कॉन्स्टेंट इज अ फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी मीजरिंग मीन सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर यूनिट एरिया मीन सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब हो गया कि जैसे ये हमारी अर्थ है और यहाँ सन है तो सन से आने वाला जो रेडिएशन है अगर हम पर यूनिट एरिया पर उसको काउंट करेंगे तो हम जो क्वांटिटी काम में लेंगे वो हम सोलर कांस्टेंट काम में लेंगे जो फ्लक्स डेंसिटी होगी उसे ही हम सोलर कांस्टेंट बोलेंगे फ्रेंड्स देखिए इट इज मीजर्ड ऑन ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द रेज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स ए यू फ्रॉम द सन रफली द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो अर्थ टू सन काम में लेते हैं द सोलर कॉन्स्टेंट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन अदर देन न्यूट्रीनोज नॉट जस्ट द विजिबल लाइट दैट इज वेरी नॉर्मल ओके okay फ्रेंड्स तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे द सोलर कॉन्स्टेंट एस इज द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय वन मीटर स्क्वायर ऑफ अर्थ स्पेयर पर सेकेंड वन मीटर स्क्वायर ऑफ अर्थ स्फेयर पर सेकेंड हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय वन मीटर स्क्वायर ऑफ अर्थ स्फेयर पर सेकेंड याद कर लीजिए यही डेफिनेशन है इफ आर इज द रेडियस सन हेयर रेडियस ऑप्शन इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन देन द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सन विल बी सिग्मा टी फोर वाट पर सेंटीमीटर टोटल रेडिएशन इमिटेड एंड फ्रॉम द सन है ये सिग्मा टी फोर वाट पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे जो सिग्मा है फ्रेंड्स दैट इज स्टीफन बोल्जमान कांस्टेंट पावर रेडिएटेड फ्रॉम सन पर सेकेंड विल बी एस इंटू एरिया सो सिग्मा टी फोर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर द रेडिएशन रिसिव्ड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ऑफ द अर्थ तो पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ऑफ द अर्थ इज सिग्मा टी फोर एंड जो डिस्टेंस थी अर्थ से सन की वो थी स्मॉल आर तो दैट इज एस फोर पाई आर स्क्वायर तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से फोर पाई आर स्क्वायर को इसके अपॉन में ले आए और यहाँ से हमें एस की वैल्यू मिल गई जहां सिग्मा मैंने आपको बताया स्टीफन बोल्जमान कांस्टेंट इसकी वैल्यू इतनी होती है फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन फाइव पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दाइनस एट वाट पर मीटर स्क्वायर कैलविन फोर ओके सो

हमें निकालना है टेम्परेचर ऑफ अर्थ व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम रेडिएशन इक्विलिब्रियम विद सन तो फ्रेंड्स जो अभी हमने फार्मूला देखा उससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन टी एफ के एग्जाम में पूछा गया है पहले और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पावर रेडिएटेड फ्रॉम द सन अभी हमने देखा दैट इज़ यूज टू बी सिग्मा टी फोर इंटू सरफेस एरिया ओके सो दैट इज सिग्मा टी फोर इंटू फोर पाए आर स्क्वायर यहाँ कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ सन तो हमने कैपिटल आर स्क्वायर काम में लिया तो देखिए सिग्मा टी और सन के लिए हम एस काम में ले रहे हैं तो सिग्मा टी एस फोर फोर पाए और हमें सन का रेडियस दे रखा है फ्रेंड्स ये रहा सेवन इंटू टेन टू द पावर एट मीटर तो हमने लिख दिया एन स्क्वायर कर दिया सो रेडिएशन पावर रेडिएटेड पी एस इक्वल्स टू सिग्मा टी एस फोर फोर पाई आर एस स्क्वायर हो गया अब पावर रिसीव्ड बाय द अर्थ तो पी ई लिख देंगे और अभी हमने फार्मूला देखा था पाई आर ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर इंटू पी एस पी एस की वैल्यू यहाँ से उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं देखिए ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं वो कट जाएंगी और जो पावर रेडिएटेड बाय द अर्थ आएगा वो इतना आएगा अब देखिए फ्रेंड्स रेडिएशन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो रेडिएशन इक्विलिब्रियम में पावर रेडिएटेड इक्वल्स टू पावर रिसीव्ड होता है इक्विलिब्रियम का यही हमें काम में लेना है पावर रेडिएटेड इक्वल्स टू पावर रिसीव्ड तो पावर रेडिएटेड इक्वल्स टू पावर रिसीव्ड यहाँ पे कर दिया है यहाँ से टी ई जो है ये ज़्यादातर कॉन्सटेंट हैं कट रहे हैं और टी ई की वैल्यू हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज टी एस आर एस अपॉन टू आर की पावर हाफ तो फ्रेंड्स अब जस्ट इसकी वैल्यू रख देनी है अगर गिवन हो और हमें इस क्वेश्चन में बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं तो उन्हें रख देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेट द सोलर कॉन्स्टेंट फॉर द रेडिएशन पावर रिसीव्ड बाय वन मीटर स्क्वायर ऑफ अर्थ सरफेस सोलर कांस्टेंट फॉर रेडिएशन पावर रिसीव्ड बाय वन मीटर स्क्वायर ऑफ अर्थ सरफेस सोलर कांस्टेंट निकालना है हमें फॉर्मूला पता ही है आपको व्हेन द गिवन क्वांटिटीज आर रेडियस ऑफ सन सेवन इंटू टेन टू द पावर एट मीटर डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर इलेवन मीटर एन रेडियस ऑफ आर सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू द सिक्स मीटर सिंपली आपको फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट करनी है सो हियर इज द फॉर्मूला पावर रेडिएटेड बाय द सन पावर रिसीव्ड बाय वन मीटर स्क्वायर ऑफ अर्थ सरफेस वन मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया ही है दैट इज पाई आर ई स्क्वायर अर्थ सरफेस जो स्पाइरिकल सरफेस है तो एक छोटा टुकड़ा मान लेते हैं तो यहाँ पर आप रख दीजिए वन पी एस अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर एस सोलर कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये होती है फ्रेंड्स जब आप इसमें मान रखेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज फोर्टीन हंड्रेड वाट पर मीटर स्क्वायर सोलर कॉन्सटेंट की यूनिट होती है फ्रेंड्स वाट पर मीटर स्क्वायर ओके कम दी थर्ड वन अ वायर ऑफ लेंथ वन मीटर एंड रेडियस वन मिलीमीटर इज हीटेड एन इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस वन किलो वाट ऑफ रेडियंट पावर ट्रीटिंग द वायर एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड इग्नोरिंग एनी एंड इफेक्ट कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ वायर अच्छा क्वेश्चन एफ एंड ऐसा क्वेश्चन नेट जी के पेपर में आया हुआ है एंड फर्स्ट uh, ग्रेड में भी आया था ये क्वेश्चन एक बार तो इजी क्वेश्चन है इजीली uh, हो जाता है जस्ट जो वायर दे रखा है हमें उसे एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह से ट्रीट करना है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फॉर्मूला हम यहाँ काम में लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वांटिटीज विच आर गिवन आर इज लेंथ वन मीटर एंड रेडियस वन मिलीमीटर एंड एस वन किलो वाट द फार्मूला इज सिंपल इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू पावर रेडिएटेड तो इलेक्ट्रिक पावर इज सिग्मा टी फोर इंटू ए या यही फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू सिग्मा टी फोर इंटू एरिया दैट इज़ फोर पाई आर स्क्वायर ले रहे थे जब हम स्क्र की बात कर रहे थे बट ये वायर है तो वायर कैसा होता है फ्रेंड्स वायर इज़ यूज टू बी सिलेंड्रिकल तो सिलेंडर का जो हमारा सरफेस एरिया है दैट इज़ टू पाई आर एल तो एरिया है टू पाई आर एल टू पाई एल की वैल्यू रख दीजिए आर की वैल्यू रख दीजिए तो आपके पास एरिया आ गया इतना हमें निकालना है टेम्परेचर तो फ्रेंड्स जब टी फोर को आप इधर रहने दीजिए सिग्मा और ए को यहाँ लेकर आइए हमारे पास जो टी का फॉर्मूला बनता है वो ये है और सभी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी वन थाउजेंड टू नाइन्टी फोर कैल्फिन अच्छा क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चंस की हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ओके नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फोर एज वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज़ द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीज होती है तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की इंटेंसिटी के साथ क्या होता है इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है फर्स्ट इंक्रीजेज दैन डिक्रीजेज एंड फर्स्ट डिक्रीजेज दैन इंक्रीजेज फ्रेंड्स बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको एक ग्राफ याद आ रहा होगा जो कि कुछ ऐसा था ये ग्राफ इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ के बीच था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए ग्राफ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था तो फ्रेंड्स इस ग्राफ को याद करते हुए आप याद कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था ये मैमडा मैक्सिमम की वैल्यू है यानी यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी पे वेवलेंथ दैट इज लेमडा एम यहाँ इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम तो फ्रेंड्स जब वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीज इज ऑफ रेडिएशन डिक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी के साथ क्या हो रहा है पहले इंटेंसिटी बढ़ रही है मैक्सिमम हो रही है एंड देन डिक्रीज हो रही है तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑब्वियसली सी in the case of blackbody radiation as the body gets hotter the wavelength of emitted radiation decreases however the intensity first increases up to a specific wavelength that is lambda l here then start decreasing as the wavelength continues to decrease so is C. c h o g a okay next an iron rod is heated the colors at different temperatures are noted विच ऑफ़ दी फॉलोविंग कलर्स शोज दैट द आयरन रॉड इज एट द लोवेस्ट टेम्परेचर ऐसे क्वेश्चन में गलतियाँ हो जाती हैं फ्रेंड्स देखिए आपके पास चार ऑप्शनस हैं क्वेश्चन ये है कि आयरन रॉड को हीट किया गया डिफरेंट टेम्परेचर uh, पे कलर्स को नोट किया गया इनमें से कौन सा कलर आपको ये बताता है कि आयरन रॉड का टेम्परेचर लोवेस्ट है कौन सा कलर आपको ये बताता है अब कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है और हम यहाँ पर वाइट या ब्लू टिक कर देते हैं बट दैट इज रॉन्ग द राइट आंसर इज ए रेड क्यों द बॉडी गेट्स हॉटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ब्लू कलर हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ रेड ऑरेंज एंड वाइट हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है ब्लू कलर की है थस एज द आयरन रॉड गेट्स हीटेड फर्स्ट इट वुड बिकम रेड जब आयरन रॉड को हम गर्म करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये लाल होगी जब और ज़्यादा गर्म हो जाएगी देन ऑरेंज एंड देन वाइट एंड फाइनली ब्लू हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स तो ये ऑर्डर रहेगा मीन्स सबसे ज़्यादा गर्म कब हो जाएगी जब वो ब्लू कलर की होगी जब वो रेड कलर की होगी तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर पर होगी तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स हव वी कम डायग्राम मस्ट बी शोइंग ऑन योर स्क्रीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ के बीच में डायग्राम है फ्रेंड्स टी वन टी टू एंड टी थ्री तीन टेम्परेचर्स वेरियस टेम्परेचर्स पे दिया हुआ है आपके ऑप्शन हैं कि द ऑर्डर ऑफ दी टेम्परेचर रेंजेस टी वन इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी थ्री और टी थ्री इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी टू और टी थ्री इज ग्रेटर देन टी वन इज ग्रेटर देन टी टू और टू इज ग्रेटर दैन टी वन इज ग्रेटर दैन टी थ्री इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स दैट वुड बी बी बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज हायर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वुड बी हायर टेम्परेचर हायर रेडिएशंस वुड बी हायर थ्रॉम द ग्राफ द रेडिएशंस विद टेम्परेचर टी थ्री हैज दाइएस्ट इंटेंसिटी आप ग्राफ में देख सकते हैं हाइएस्ट इंटेंसिटी जो है दैट इज ऑफ टी थ्री देन टी टू देन टी वन तो हमारा जो ऑप्शन है फ्रेंड्स बी ऑप्शन विल बी द राइट वन ओके नेक्स्ट सेवेंथ वॉट इज द रिलेशन बिटवीन द एनर्जीज एज शोन इन द फिगर एंड हियर इट इज रिलेशन बिटवीन द एनर्जीज ई आई इंसिडेंट एनर्जी ई आर रिफ्लेक्टेड एनर्जी दिस इज द ब्लैक बॉडी ई टी ट्रांसमिटेड एनर्जी एंड ई एब्जॉर्ब एनर्जी अब ऑप्शन है कि ई आर ज़ीरो है या ई ए जीरो है या ई टी इक्वल्स टू ई आई है या ई आई इक्वल्स टू ई आर है तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट वन एज अ ब्लैक बॉडी इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ये आपको याद रखना है कि ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट ऑब्जॉर्वर होती है द द रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड ट्रांसमिटेड एनर्जी शुड बी जीरो एक परफेक्ट के लिए रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एनर्जी जीरो जाएंगी क्यों क्योंकि जितनी भी एनर्जी सरफेस पे आएगी ब्लैक बॉडी की वो तो सभी एब्जॉर्व हो गई ना क्योंकि एक परफेक्ट एब्जॉर्वर है तो ना कोई एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई ना कोई एनर्जी ट्रांसफर हुई ट्रांसमिट हुई ऑल्सो द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए रिफ्लेक्टेड एनर्जी ज़ीरो होनी चाहिए ट्रांसमिटेड एनर्जी ज़ीरो होनी चाहिए इंसिडेंट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए तो ये अगर हमारे ऑप्शन में है वो सभी ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे ओके फ्रेंड्स चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन ओके दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड फ्रेंड्स देर अनाउंसमेंट नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं मेरे वो थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के नेट जी आर एफ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं मैं आपको सभी क्वेश्चन uh, के आंसर्स बताऊंगी इन अ वेरी ईजी वे और उन्हें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए इस चैनल के साथ अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग